एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसका जो पहला चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट, वो हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए। अगर आपने नहीं दिखा है तो मैंने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप भूल गए तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं। इस जो 11th 12th में पढ़े थे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना था, लेकिन इसमें हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे। थोड़ा जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही सिर्फ आंसर देना है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम एंड डिस्क्राइब और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। इसमें आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से। तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं, मैं आपको अगर हिंदी में बताऊं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। अगर पूरी कंट्री में जितने लोग कमा रहे हैं उनकी सारी इनकम को अगर हम लोग ऐड करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कितना अर्न कर रहा है, वो बन जाती है एक नेशनल इनकम। तो मीनिंग कैसे लिखेंगे, नेशनल इनकम गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक वेलफेयर, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब नेशनल इनकम डिपेंड करता है ना कि अगर ज्यादा इनकम रहेगी तो वो बताता है कि इनकम अगर ज्यादा है तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ज्यादा इनकम है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मेजर करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें पता है कि नेशनल इनकम पूरी कंट्री की इनकम बताती है। तो आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मनी के स्टेटस में, मनी के टर्म्स में हमारी कंट्री की स्टेटस क्या है, वो फाइंड आउट करते हैं। मीनिंग लिखने के बाद आप डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन आपको कोई भी, बहुत सारी डेफिनेशन बुक में दी रहती है, कोई भी 3 lines की आप डेफिनेशन ले सकते हैं। मैंने ये लिया है कि नेशनल इनकम क्या बताता है कि कितना टोटल सामान बन रहा है, मतलब बनेगा तभी तो इनकम जनरेट होगी ना, तो नेट आउटपुट से पूरे कंट्री की कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वही इंग्लिश में लिखा गया है डेफिनेशन। मीनिंग का पार्ट खत्म करके डेफिनेशन में आते हैं। द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास जा रहा है तभी तो इनकम जनरेट हो रही है ना, तो पूरा जितना प्रोडक्ट बनाया है थ्रू आउट द ईयर और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर के पास गए हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन होता है नेशनल इनकम। मीनिंग और डेफिनेशन खत्म होता है तो नेक्स्ट आप उस आंसर में क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आप पूरे पॉइंट्स लिख लीजिए जो जो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं 10 या 11 बहुत सारे पॉइंट्स दिए, आप मिनिमम मैक्सिमम अगर आप 10 भी लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो इनफ होता है। अब इसमें थोड़े डिफिकल्ट पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर आपको याद होगा आपने 12th में पढ़ा होगा तो हमने 8 एग्रीगेट्स पढ़े थे, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, फिर ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस और नेट में और नेशनल और डोमेस्टिक में ये पूरा खेल खेला गया है। मैं आपको जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके एग्जाम्पल से ही समझाते जाती हूँ, आप समझ जाएंगे। तो जो 8 एग्रीगेट्स थे ना, अगर आपको याद होंगे तो आप 8 एग्रीगेट्स को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, फैक्टर कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, मार्केट प्राइस को एक्सप्लेन कर सकते हो, या अगर आपको वो 8 एग्रीगेट्स याद नहीं है तो उनमें से कुछ इजी मैंने पिक किए हैं, वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आता है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री का मतलब होता है कि नेशनल इनकम सिर्फ हम उसकी ही कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर फॉल करता है, उसकी ही हम लोग डोमेस्टिक नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, इसीलिए बोलते हैं डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और भी कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि जो हमारी आर्मी और जो बॉर्डर पे काम करते हैं आर्मी ऑफिसर्स, वो लोगों को भी लेना है, प्लस जो फिशिंग के लिए सी साइड एरिया में वर्क करते हैं उनको भी लेना है, प्लस हमारे डिप्लोमेट्स जो कि दूसरे कंट्री में उनको भी लेना है, जो बाहर जाके फॉरेन एम्बेसी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये सबको हम लोग लेंगे, ये सब भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉल करते हैं, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आता है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री को लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कि जो एक होता है परमानेंट रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री मतलब जो बर्थ से ही यहाँ है, और नॉर्मल रेसिडेंट ऐसा पर्सन रहता है जो कि 1 साल से ज्यादा यहाँ रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब वो जो पैसा कमा रहा है वो हमारी कंट्री से हो, उसको नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं।
तो इसमें नेशनल इनकम में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है जिनका पैसा हमारे इंडिया से जनरेट हो रहा है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके बाद अब आते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में पहला दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि पूरे अगर इवैल्यूएशन की जाए तो एक साल में हमारा कितना प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज बनी है, पूरी बन के तैयार हुई है, उसको हम लोग लेंगे ग्रॉस। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लिया जाता है, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से करते हैं। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो डोमेस्टिकली जो विद इन द कंट्री जो प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ उसकी ही वैल्यू लेते हैं, तो इसको डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब इसको याद करने का एक इजी तरीका है, ग्रॉस और नेट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जब हम लोग ग्रॉस लेते हैं ना, ग्रॉस मतलब फाइनल, मतलब एज ए प्रपोज्ड वैल्यू, और नेट मतलब फाइनल वैल्यू। नेट फाइनल मतलब उसमें ग्रॉस में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नेट। तो जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, उसका टोटल देखे। नेट में डिफरेंस ये जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते टाइम जो हम लोग मशीन इक्विपमेंट्स व्हीकल्स ये सब यूज किए थे, इनका भी तो वियर एंड टियर मतलब इनके भी तो खर्चे लगे होंगे ना, तो वो खर्चे जाते हैं डेप्रिसिएशन। अगर वो मैंने हटा दिया तो हमारी एक्चुअल कमाई निकल जाएगी कि हमने कितना कमाया है, वो आ जाएगा हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, जीडीपी से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो आपको एनडीपी मिल जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस, अब ये देखो ये डोमेस्टिक की बात हो रही थी, अब हम लोग नेशनल की बात करते हैं। जब नेशनल की बात करते हैं तो इसमें जो इनकम हमारे इंडिया में ही जनरेट हो रही है, जो सिर्फ इंडियंस ले रहे हैं, प्लस जो इनकम हमें बाहर से भी आ रही है, मतलब फॉरेन इनकम से भी आ रही है, जैसे बाहर अगर मैंने कुछ सेल किया, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट किया, तो जो भी इनकम वहां से आई है उनको भी लेते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट करें। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो हमारी नेशनल, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम थी उसमें जो बाहर से इनकम आई है, फॉरेन से जो हमारी इनकम जनरेट हो क्या है उसको ऐड करेंगे, और अगर हमने फॉरेन में कुछ पेमेंट करी है जो कि डोमेस्टिक है उनका है, हमारा पार्ट नहीं है, उसको वापस देने के बाद जो टोटल इनकम बनती है वो हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जो जीडीपी था, जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक थी, डोमेस्टिक में आप प्लस कर दो इंटरनेशनल इनकम, जो भी इंटरनेशनल इनकम मिली थी वो, प्लस जो हम लोग नॉन रेसिडेंट जो कमाए थे जो उधर की है, उधर जाएगी, उसको आप माइनस कर दो तो टोटल इनकम हमारी आ जाएगी। एक करेक्टरिस्टिक्स फिक्स फिर आता है ग्रॉस के बजाय, यहाँ पे सब सेम है, ग्रॉस की जगह क्या आ गया, नेट आ गया। नेट आ गया मतलब आपको पता है कि नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आप जीएनपी से जो ग्रॉस था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आ जाए। फिर वैसे ही आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो पैसे, फैक्टर कॉस्ट मतलब अभी वो फैक्ट्री में है, उसमें टैक्स वैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसी वैल्यू जो हमारे प्रोडक्ट की ऐसी वैल्यू जिसमें हमने टैक्स अभी तक ऐड नहीं करी है उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ऐसी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिसमें टैक्स और मार्केट में है, मार्केट प्राइस मतलब ऑल टैक्स इंक्लूडेड है, वो आते हैं मार्केट प्राइस। वैसे ही हमारी नेट, पूरे नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो नेट नेशनल वैल्यू है हमारी इनकम की, अगर उसमें मार्केट में कोई भी टैक्स एडेड नहीं है तो वो फैक्टर कॉस्ट आएगी। फिर नेट जो भी नेशनल इनकम है अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया नेशनल इनकम, उसमें अगर मार्केट प्राइस एडेड है, सारे टैक्सेस वैक्सेस एडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो आएगा मार्केट प्राइस। या आप इजिली इसको एक्सपैंड करके फुल फॉर्म से भी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम ऐसी इनकम रहती है जो जहां हर सोर्सेस, फॉर एग्जांपल वो कोई हाउस होल्ड हो या कोई कंपनी हो, वो किसी भी सोर्सेस से अगर वो पैसा अर्न कर रही है तो वो प्राइवेट इनकम होती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम ऐसी इनकम होती है जो सिर्फ हाउस होल्ड और इंडिविजुअल ही अर्न करते हैं अपने काम के लिए, बिजनेस विजनेस नहीं आता, तो वो पर्सनल। और प्राइवेट इनकम में जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वो जो भी पैसा कमा रहे हैं वो प्राइवेट में आता है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप और भी लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिस्पोजेबल और इनडिस्पोजेबल इनकम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना लिखना ही सफिशियंट है, आंसर अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर का जो नेशनल इनकम चैप्टर है उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल।